चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा लीव सैलरी। क्या रहेगा? लीव सैलरी। सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा, पहले मैं आपको सब थ्योरी लिखवाऊंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर चलेंगे। सर ये लीव सैलरी क्या होती है? सबसे पहले तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए किसी भी सर्विस में आप चले जाइए, एवरी एम्प्लाई इज एंटाइटल्ड टू अवेल ए सर्टेन लीव इन ए ईयर। क्या मतलब है इसका? पेड लीव होती हैं कुछ। देखिए वैसे तो अगर आप छुट्टियां लेंगे तो आपकी तनख्वाह कटेगी, सैलरी डिडक्ट होगी, लेकिन कुछ पेड लीव होती हैं। पेड लीव का मतलब है कि आप महीने में एक छुट्टी ले सकते हैं, डेढ़ छुट्टी ले सकते हैं, दो छुट्टी ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कि किस तरह का वर्क प्रोफाइल है एम्प्लॉय का और क्या ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है। तो सपोज कीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर आपको साल की 25 छुट्टियां अलाउड हैं, यानी कि आप जो गैरेटेड हॉलीडे हैं, जो नॉर्मल हॉलीडे हैं, उनके अलावा वर्किंग डेज जो हैं उसमें से भी 25 छुट्टियाँ ले सकते हैं और उनकी कोई भी सैलरी आपकी डिडक्ट नहीं होगी। इसे कहा जाता है पेड लीव। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अगर एम्प्लॉय ने वो 25 छुट्टियां नहीं ली, उसका जो नॉर्मल छुट्टियां होती हैं उन्हीं में काम चल गया तो क्या होगा? तो उसे उसके बदले में इनकैशमेंट दे दिया जाता है। जो वो छुट्टियां बचा के चलेगा, एक्यूमुलेट करेगा जो एम्प्लॉय छुट्टियों को, तो बदले में उसे इनकैशमेंट कर दिया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज फुल्ली इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी। तो बात ये है कि जो एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी है सर, उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो उसी की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। अभी तक हमने रिटायरमेंट बेनिफिट में ग्रेचुटी पढ़ा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा पेंशन पढ़ा। पेंशन दो तरह की होती है, एक कम्यूटेड पेंशन होती है, एक अनकम्यूटेड पेंशन होती है। तीसरा जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो है लीव सैलरी का। तो लीव सैलरी क्या होती है अभी मैंने डिस्कस किया है, तो मुझे लीव सैलरी के बारे में कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे आ रहे हैं बात पर कि टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लीव सैलरी क्या है। जब वो न्यूमेरिकल में आपको लीव सैलरी मिलेगी, एनकैशमेंट मिलेगा, लाख दो लाख चार लाख रुपए जितने भी एक्यूमुलेशन होगी लीव सैलरी की, तो टैक्सेशन में क्या वो फुल्ली टैक्सेबल है या कुछ एग्जेम्प्टेड है, या कब टैक्सेबल है और कब एग्जेम्प्टेड है, इस बात के हमें रूल्स को स्टडी करना है। तो लिखेगा मेरे साथ, लीव सैलरी अगर आपको मिली ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, यानी कि अभी आप रिटायर नहीं हुए हैं, जैसे ग्रेचुटी की बात थी, तो ये है फुल्ली टैक्सेबल ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ सर्विस। अगर लीव सैलरी मिली आपको ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ सर्विस, तो दिस इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। मैं ऑल एम्प्लॉयज की बात करता हूं, तो वेदर यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, अगर आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है, क्या मिलती है? आफ्टर रिटायरमेंट। तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये हो जाएगी फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्या हो जाएगी? फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा हुआ है। अगर आप बात करते हैं ग्रेचुटी की, तो वहाँ एग्जेम्प्शन जो थी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी थी, लोकल अथॉरिटी के लिए भी थी। अगर हम बात करते हैं पेंशन की, कम्यूटेड पेंशन की, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय और स्टेटूटरी कॉरपोरेशन, यहाँ पर बाकी दोनों को हटा दिया गया है और जो एग्जम्पशन दी गई है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी गई है। कुल मिला के गवर्नमेंट एम्प्लॉय तीनों में ही एग्जम्प्टेड है और ज़्यादातर केसेज में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही पूछते हैं, वो नहीं परेशान करते आपको कि कभी वो लोकल अथॉरिटी दे दें या कभी वो स्टेटूटरी कॉरपोरेशन दे दें। यहाँ से वो आपकी मेमोरी को चेक नहीं करते, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं मेमोरी को चेक करने के लिए। फिर भी मैंने आपको जो फुल थ्योरी थी वो मैंने लिखा दी। अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं,
तो जो रूल है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग यानी कि जो मिनिमम है फॉलोइंग सेल बी एग्जेम्प्ट, सेल बी एग्जेम्प्ट क्या है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में? पहला है एक्चुअल, जब भी आप कंपेयर करेंगे तो एक अमाउंट तो एक्चुअल होगी ही होगी। एक स्टेट्यूटरी लिमिटेड जरूर है, जैसे कि ग्रेच्युटी में आपकी 20 लाख थी, स्टेट्यूटरी लिमिट यहां पर जो है वो है बहुत कम अमाउंट है, 3 लाख रुपए, 3 लैक्स। क्लियर? तीसरा है एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी कैसे निकाली जाएगी? मैंने स्टार लगा दिया, इसके बारे में पूरे नोटिंग करवाऊंगा। इनटू 10 मंथ, ये 10 मंथ सर्टेन है। जो आपका फोर्थ पॉइंट है जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो है अनअवेल्ड लीव, यानी कि आपने जितनी छुट्टियां बचा ली। इसके ऊपर भी मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि इसे भी मुझे एक्सप्लेन करना है कि अनअवेल्ड लीव कैसे निकाली जाएंगी। अनअवेल्ड लीव मल्टीप्लाइड बाई एवरेज सैलरी, अनअवेल्ड लीव मल्टीप्लाइड बाई एवरेज सैलरी। क्लियर होगी बात? ये है रिटायरमेंट के बाद की बात। अगर आफ्टर डेथ है, आफ्टर डेथ है एम्प्लॉय की, तो सर्कुलर निकला हुआ है ये भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी इन ऑल केस ऑफ एम्प्लॉय, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय। तो ये पूरा पूरा एक ढांचा है लीव सैलरी का, लीव एनकैशमेंट का, टैक्स ट्रीटमेंट ये है जो आपके सामने मैंने रखा है। अब हमें इसमें दो चीजें समझनी हैं सर, एवरेज सैलरी क्या है और अनअवेल्ड लीव क्या है। तो आपने ये कॉपी कर लिया होगा, आपके स्क्रीन पर जो नोटिंग चल रही है वो नोटबुक में आप नोट करते चले जाइएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल करते वक्त आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा वो सब जो मैं लिखवाऊंगा आपको उसी के अंदर से आना है। आपको जो मैंने नोट दिए हैं प्रिंटेड फॉर्म में उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ फिलहाल एडवाइजेबल है कि आप अगर, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आप जितनी बार भी उसे पढ़ सकें प्रिंटेड नोट्स को, तो उतना आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना? जिससे डबल डबल आपके एक बार जो लिखवा रहा हूँ वो चीज़ हो गई, और प्लस जो आपके प्रिंटेड नोट्स हैं उसमें से भी आपने थ्योरी पढ़ ली, ऑल दो वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब हमें दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, यहाँ पर दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। क्या क्या एक्सप्लेन करना है हमें? नोट वन पहले है एवरेज सैलरी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? एवरेज सैलरी के बारे में। इसमें क्या चीज एक्सप्लेन करनी है आपको? सबसे पहली बात एक्सप्लेन करनी है मुझे सैलरी का मतलब क्या है। तो सैलरी मींस, सैलरी मींस जो कि ग्रेच्युटी में था, जो लोग एम्प्लाई ग्रेजुएट एक्ट में कवर नहीं थे, तो जो वहां पर सैलरी का मतलब था वही यहां पर है। सैलरी मीन्स इज इक्वल टू बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। ये कब होगा? पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट, कुछ इस तरह के वर्ड अगर लिखे हुए हों तो, या एंटर इन टू द रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, पार्ट ना लिख के वो एंटर वर्ड दे देगा, लेकिन इस तरह के कुछ वर्ड अगर लिखे हुए हैं तो आपको डीए किस पर्पज के लिए लेना है। लेकिन अगर हम बात करें, मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ कि जब हम फुल सैलरी निकालते हैं किसी भी एम्प्लॉय की, हम ये सैलरी निकालते हैं कि वास्तव में उसके हाथ में कितनी ग्रोस सैलरी है, तो चाहे डीए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो या ना हो वो अदरवाइज भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। लेकिन क्योंकि जब हम सैलरी निकाल रहे हैं तो बेसिक सैलरी उसकी जुड़ती है, डीए जुड़ता है, अलाउंस से जुड़ते हैं, परक्यूरी जुड़ता है, उसमें फिर लीव सैलरी भी जुड़ती है। लेकिन जब हम लीव सैलरी निकालेंगे कि कितना एग्जम्पशन है, कितना टैक्सेबल है, तो केवल उस एग्जम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए जो सैलरी है वो मैंने आपके सामने लिखी है, प्लस कमीशन,
कमीशन अगर ऑन टर्नओवर है, ऑन टर्नओवर है और फिक्स्ड परसेंटेज पर है, फिक्स्ड परसेंटेज पर है। अगर अमाउंट फिक्स्ड है तो इस पर्पज के लिए कमीशन नहीं ऐड होने का। अगर वो परसेंटेज फिक्स्ड है लेकिन परचेज के ऊपर है, टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, तो भी परचेज के ऊपर अगर परसेंटेज फिक्स्ड है तो भी ऐड नहीं होगा। अब दूसरी बात जो आती है, सैलरी तो हमने देख लिया, अब क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है एवरेज सैलरी आ रहा है, तो एवरेज का मतलब होता है कि कुछ महीनों की हम जोड़ेंगे, डिवाइड बाय फिर नंबर ऑफ मंथ से हम डिवाइड करेंगे, तो कितने महीनों की हमें लेनी है। तो ये भी लिखेगा, एवरेज सैलरी मीन्स सैलरी फॉर 10 मंथ। आपको याद आ रहा होगा ग्रेच्युटी में भी हमने 10 मंथ का लिया था, लेकिन एक फर्क है यहां पे, एवरेज सैलरी मीन्स सैलरी फॉर 10 मंथ, वहां पे क्या लिया था, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ, यहां पे क्या लेंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट, इसे मैं बोल्ड में लिख देता हूं, वहां पर प्रीसीडिंग द मंथ था, यहां पर जो है प्रीसीडिंग द डेट है, यहां पर प्रीसीडिंग द डेट है। एवरेज सैलरी मीन्स सैलरी फॉर 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। अगर 15 जनवरी 2020 को कोई व्यक्ति रिटायर हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको 14 जनवरी तक की सैलरी लेनी है। अगर अदर ग्रेच्युटी में अदर एम्प्लॉय की बात करें तो वहां 31 दिसंबर तक की आपको सैलरी को एग्रीगेट करना था, 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले 10 मंथ, लेकिन यहां पर डेट वाइज चलेगा आपका, जिस भी डेट को आप रिटायर हो रहे हैं उस डेट तक की आपको, उससे पहले तक की डेट की आपको सैलरी लेनी है। क्लियर होगी बात ये? तो ये तो बात हुई आपकी एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे। दूसरा जो नोट था, जो दूसरा नोट था वो है आपके अर्नड लीव के बारे में निकालने के लिए। हमने अगर देखा था तो वहां पे क्या वर्ड यूज किया था, अनअवेल्ड लीव। तो ये अनअवेल्ड लीव कैसे निकालेंगे या अर्नड लीव कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर बात है। अनअवेल्ड लीव, या इसे आप अर्नड लीव भी कह सकते हैं, अर्नड लीव भी कह सकते हैं। क्लियर होगी बात ये? देखिए यहां थोड़ा सा झोल है, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग कैलकुलेशन होती है और एम्प्लॉय के हिसाब से अलग कैलकुलेशन होती है। हमें जो लेनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से लेनी है कि अनअवेल्ड लीव क्या है। ठीक है, तो जो अनअवेल्ड लीव है कैसे निकालेंगे हम, लीव एंटाइटलमेंट पर ईयर मैक्सिमम 30 डेज। यानी क्वेश्चन में अगर लीव एंटाइटलमेंट एम्प्लॉय का 30 डेज से कम है तो फिर वही लेंगे, लेकिन अगर 30 डेज से ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम एक साल में 30 डेज लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये कुछ महीने आ जाएंगे आपके, लेस अवेल्ड लीव गिवन इन क्वेश्चन, तो हम यहां से माइनस कर देंगे, तो ये जो निकल के आएगा ये आ जाएगा अर्नड लीव। या तो ये मंथ की कैलकुलेशन होगी कि 2 महीने 3 महीने 5 महीने अर्नड लीव आ गया, तो फिर हम एवरेज सैलरी के मल्टीप्लाई कर देंगे, या ये नंबर ऑफ डेज में आएगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो सैलरी हमारी है वो मंथ की है तो उसे 30 डिवाइड करेंगे, यानी कि एक दिन की सैलरी बनाएंगे,
और फिर नंबर ऑफ डेज से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अच्छी तरह आप जानते हैं। तो ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है लीव सैलरी का। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं सीधे, तो क्वेश्चन देखिएगा, बुक खोल लीजिएगा, ये है आपका पेज नंबर देख लेते हैं पहले, पेज नंबर है भाई 158 में इलस्ट्रेशन नंबर 20 पर आइएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 20, मिस्टर जे रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ एबीसी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 आफ्टर सर्विंग फॉर 16 ईयर्स एंड 7 मंथ। तो यहाँ पे कंप्लीटली ये लिया जाता है, पार्ट ईयर को छोड़ा जाता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही रिसीव्ड 5 लाख है लीव सैलरी, उसे जो लीव सैलरी के मिले 5 लाख मिले फॉर अनअवेल्ड लीव और 300 डेज, यानी कि जो 300 दिन की उसकी छुट्टियाँ बकाया हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये 300 दिन यूज नहीं होंगे, ये अर्नड लीव जरूर है, लेकिन ये एज पर द एम्प्लायर है। मैंने आपको बताया कि हमें एज पर इनकम टैक्स अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ अभी आपको कैलकुलेट करना। ही वर एंटाइटल टू 40 डेज लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसे एक साल में 40 डेज की लीव मिलती थी, लेकिन इनकम टैक्स कितनी अलाउड करता है, मैक्सिमम 30 डेज की, तो उसके हिसाब से करेंगे। ही वॉज गेटिंग द सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसकी जो सैलरी थी 50,000 पर मंथ थी रिटायरमेंट के समय। ही हैज रिसीव्ड इंक्रीमेंट 5,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2009, उसका इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2019 को हुआ था। तो यहाँ पे हमें एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। ये भी आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, देखिएगा कि अगर पिछले 10 महीनों में सैलरी चेंज नहीं हो रही है तो हम जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की सैलरी है उसी से लेके काम चला सकते हैं, क्योंकि वो सैलरी पहले 10 बार आप जोड़िए और फिर 10 से डिवाइड करिए, बात वही आएगी। एवरेज सैलरी तभी चेंज हो सकती है जब पिछले 10 महीनों में कुछ चेंज आ रहा हो सैलरी में, तभी चेंज आएगा, अदरवाइज चेंज नहीं आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर 1 जुलाई को सैलरी चेंज हो रही है तो यहाँ पर हमें एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 दैट इज 1920 प्रीवियस ईयर। सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वेश्चन है आपका लीव एनकैशमेंट पर है, क्योंकि उन्होंने पूछा है लीव एनकैशमेंट की एग्जेम्पशन को कैलकुलेट कीजिए, उन्होंने फुल क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कि ग्रॉस सैलरी आपकी क्या होगी, टैक्सेबल सैलरी क्या होगी। फिर भी मैं आपको करा दूंगा ये चीज, तो फटाफट ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं ग्रॉस सैलरी की, पूछा नहीं है फिर भी मैं लिखवा रहा हूं, तो आप नोट डाउन कीजिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 for the assessment year 2021 बेसिक सैलरी कितनी है जी। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में देखिएगा, 1 जनवरी 2020 को रिटायर हुआ और रिटायरमेंट के समय 50,000 थी और 1 जुलाई को 5,000 रुपये चेंज हुए थे। आपका जो ईयर है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट है, और रिटायरमेंट है इसका 1 जनवरी को, यानी कि 31 दिसंबर तक की आपको सैलरी देनी है। तो अप्रैल मई और जून ये सैलरी रही होगी आपकी 45,000 इंटू 3 मंथ प्लस 1 जुलाई को, क्योंकि आपकी 50,000 सैलरी हो जाती है तो 50,000 इंटू जुलाई से दिसंबर, तो ये आ जाते हैं आपके 6 महीने। तो 45,000 इंटू 3 प्लस 50,000 इंटू 6, 50,000 इंटू 6 तो आ जाएगा आपका 3 लाख। अब 45,000 इंटू 3 ये आया आपका 1,35,000, तो 3 लाख और 1,35,000 आ जाता है आपका 4,35,000। इसके अलावा क्या क्वेश्चन में आपको कुछ और मिल रहा है जी लीव एनकैशमेंट के अलावा?
कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यहां पर दूसरी चीज जुड़ जाएगी आपकी, लीव एनकैशमेंट। क्या जुड़ जाएगी? लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट कितना मिला, ठीक है ना? लीव एनकैशमेंट आपको क्वेश्चन में मिला है आपका 5 लाख रुपए। इनर कॉलम में लिखता हूं मैं इसे, क्योंकि बाहर जो आएगा एग्जेम्पशन को माइनस करने के बाद आएगा माइनस एग्जेम्प्ट। इस एग्जेम्पशन को ही हमें निकालना है जिसकी हमने थ्योरी स्टडी की है अभी। क्लियर होगी बात है? अब लीव एनकैशमेंट को कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट देखेगा, वर्किंग नोट लीव एनकैशमेंट के ऊपर बना रहे हैं। लीव एनकैशमेंट के ऊपर बना रहे हैं। लोअर ऑफ फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, लोअर ऑफ फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। पहला क्या अमाउंट है जी? एक्चुअल, दैट इज 5 लाख क्वेश्चन में जो गिवन है। दूसरा जो है स्टेट्यूटरी लिमिट, स्टेट्यूटरी लिमिट दैट इज 3 लाख। और तीसरा है 10 मंथ इंटू एवरेज सैलरी। अब मुझे एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी, पहले वो देखूंगा, तो यहाँ की कैलकुलेशन की जगह मैं छोड़ देता हूँ। और डी पॉइंट है आपका अर्नड लीव, अर्नड लीव इनटू एवरेज सैलरी। अब क्योंकि ये अर्नड लीव की भी कैलकुलेशन मुझे करनी है, तो ये भी मैं जगह छोड़ देता हूँ। अब बात आती है कि एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी। इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2, एवरेज सैलरी। इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि सैलरी में क्या क्या जुड़ेगा। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन, क्योंकि डीओ कमीशन है ही नहीं इसमें, तो उसकी तो बात ही नहीं उठती है। अब हमें जो एवरेज सैलरी लेनी है जिस दिन वो रिटायर हुआ है, उससे पहले के 10 महीने लेने हैं आपको, यानी कि बेसिक बेसिक सैलरी का लेने हैं। तो दिसंबर 19 आ जाएगा, नवंबर 19 आ जाएगा, अक्टूबर 19 आ जाएगा, सितंबर 19 आ जाएगा, अगस्त 19 आ जाएगा, जुलाई 19 आ जाएगा, जून 19 आ जाएगा, मई 19 आ जाएगा, अप्रैल 19 आ जाएगा और मार्च 19 आ जाएगा। अब 10 महीने पूरे होते हैं। दिसंबर से लेकर जुलाई तक, यानी कि ये बैठे 6 महीने, 6 महीने तो आपकी सैलरी रही 50,000, यानी कि 3 लाख रुपए। ये जो 4 महीने थे, 5,000 रुपये बढ़ी थी इसमें, तो 45,000 थी यहाँ पे सैलरी इंटू 4 महीने, तो ये बैठेगी आपकी 1,80,000। टोटल अमाउंट बैठेगा आपका 4,80,000। तो जो एवरेज सैलरी आ गई, एवरेज सैलरी जो आ गई, वो आ गई आपकी 48,000 डिवाइड बाई 10, सॉरी 4,80,000 डिवाइड बाई 10, यानी कि 48,000। कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, सर ये मार्च 19 कैसे आ गया, हमारे प्रीवियस में तो आता नहीं। देखिए, मैं मार्च 19 की सैलरी टैक्सेबल नहीं कर रहा हूँ, इसी वजह से मैंने आपको फुल क्वेश्चन भी कराया कि जिस SSC का ये क्वेश्चन है उसके हाथ में पूरी ग्रोथ सैलरी क्या बैठेगी। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है आपके लिए कि मार्च 19 की सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। ये केवल क्योंकि क्वेश्चन में लीव एनकैशमेंट भी दिया जा रहा है, तो लीव एनकैशमेंट कितना टैक्सेबल है, कितने एग्जम्पशन है, ये एक सेपरेट कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन में हमें रिटायरमेंट की डेट से पहले के 10 महीने यूज करने हैं, वो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्सेबल नहीं करना मुझे मार्च 19 की सैलरी, लेकिन कैलकुलेशन में मुझे यूज करना है ये देखने के लिए कि लीव सैलरी की एग्जम्पशन कितनी आएगी और कितनी नहीं आएगी। तो ये 48,000 आपका हो जाता है। क्लियर होगी बात ये? तो 48,000
यहाँ पे लिख दिया, तो ये तीसरी लिमिट आ गई आपकी 4,80,000। अब सारा दारोमदार जो है वो है आपका इसके ऊपर कि अर्नड लीव कितनी आएंगी। ये ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, इसमें काफ़ी कैलकुलेशन आ रही है। वर्किंग नोट नंबर 4, अर्नड लीव। आई थिंक ये कलर आपको सूट नहीं करेगा, रिकॉर्डिंग में अच्छी तरह दिखाई नहीं देगा, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 4, अर्नड लीव। मैंने आपको क्या बताया था कि अर्नड लीव, लीव एंटाइटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 30-day लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो लीव एंटाइटलमेंट एज पर इनकम टैक्स, मैं दो चीज लिख लेता हूं, एक तो एज पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, और एज पर सर्विस रूल। ये सर्विस रूल मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन किसी विशेष पर्पज के लिए मैंने यहां पर यूज किया है, ठीक है। जब मैंने आपको थ्योरी लिखवाई थी तो वहां यूज नहीं करा था मैंने, हमें इनकम टैक्स पर्पज का यूज करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में सर्विस रूल की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं लिख दिया। क्या जरूरत पड़ेगी वो समझ लेते हैं हम लोग। लीव एंटाइटलमेंट, लीव एंटाइटलमेंट, आप ये देखिए कि इस व्यक्ति को जो लीव एंटाइटलमेंट था वो कितना था सर्विस रूल के हिसाब से, 40 डेज, और कितने समय की इसकी सर्विस हो चुकी है, 16 ईयर 7 मंथ। तो मैं 16 ईयर 7 मंथ की तो जरूरत है नहीं, 16 ईयर की जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन इनकम टैक्स में कितना है, 30 डेज, ये मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 30 डेज इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लेकिन एज पर सर्विस रूल कितना है, 40 डेज इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्लियर है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो 30 डेज इंटू 16 ईयर्स, तो ये बैठेगा आपका 480 डेज, ये डेज में कैलकुलेशन चल रही है आपकी। अरे 40 डेज इंटू 16 ईयर्स, ये बैठेगा आपका 640 डेज, ठीक है। अब हमें इसमें लेस करना होता है लीव अवेल्ड, लीव अवेल्ड, लीव अवेल्ड माइनस करने के बाद आ जाता है अर्नड लीव, यानी कि उसने कितनी छुट्टियां बचाई। अब क्योंकि क्वेश्चन में अवेल्ड लीव नहीं दे रखा है, अगर क्वेश्चन में अवेल्ड लीव दे रखा होता तो मुझे इस वाले पार्ट की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि लीव अवेल नहीं दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है कि कितने दिन की छुट्टियां उसने बचाई हैं, वो भी सर्विस रूल्स के हिसाब से 300 डेज। अगर आप देख रहे हो कि तीसरी लाइन में है, ही वाज गेटिंग द सैलरी ऑफ 5 लाख एट लीव एनकैशमेंट फॉर अनअवेल लीव ऑफ 300 डेज, ये आप देख रहे होंगे। तो क्योंकि ये 300 दिन की उसने छुट्टियां बचाई हैं, तो यहां आ जाएगा 300 डेज। तो जब तीन बातों में से दो बातें आपको दी हुई हैं, तो ये आराम से कैलकुलेट हो जाएगा कि कितने दिन की छुट्टियां आपने ले ली। अब क्योंकि जो छुट्टियां ली हैं वो यहां पर आप रख देंगे, तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 140 डेज, जो आपको जरूरी है निकालना कि आपने कितने दिन की छुट्टियां बचा ली। क्लियर हो गई बात ये। अब 140 डेज यहां पर हमने रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन है, एवरेज सैलरी आपका था 48,000। अब क्योंकि 48,000 आपका एवरेज सैलरी है, जो अर्न लीव है वो दिनों में है, तो इसे 30 डेज से डिवाइड कीजिए जिससे एक दिन की सैलरी आ जाए, और मल्टीप्लाई बाय 140 डेज, ये कैलकुलेशन आ जाती है आपकी। कर लीजिए मेरे साथ, 48,000 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 140, तो इट कम्स टू 2,24,000, 2,24,000।
थाउजेंड। क्लियर होगी बातें। टैक्सेबल लीव सैलरी कितनी आ जाएगी? लीव सैलरी जो टोटल मिला 5 लाख माइनस 2,24,000, तो 2,24,000 जब इसमें जाएंगे तो बचेगा आपका 2,76,000। तो ये चीज आप 2,24,000 यहां माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 2,76,000। इसे ऐड कीजिएगा तो आ जाएगी ग्रॉस सैलरी 2,76,000। 2,76,000 प्लस 4,35,000 इट कम्स टू 7,11,000 लेस डिडक्शन। मालूम है आपको अंडर एक्शन 16, उसमें से एक ही डिडक्शन इस क्वेश्चन मिलेगी, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो मिलेगी आपको 50,000 की, तो 7,11,000 में 50,000 लेस होते हैं तो ये आ जाएगा 6,61,000। ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल सैलरी। जानबूझ के मैंने आपको फुल क्वेश्चन भी कराया, ऑल द इसमें पूछा नहीं था, इसमें केवल ये पूछा था कि एग्जेम्पशन कितनी है और फिर टैक्सेबल कितनी है। तो आप इसको देख सकते हैं कि कितनी एग्जेम्पशन कितनी टैक्सेबल आ रही है। फटाफट देख लीजिए, ये थोड़ा सा ये आ गया आपका एक्चुअल बर्न 5 लाख, 4 लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख, 10 मंथ एवरेजली 4,80,000। और ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो सब आपको नीचे भी बता रखा है, तो एग्जेम्प्ट हो गए 2,24,000, तो उससे टैक्सेबल आपकी आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर होगी बात। ये इलस्ट्रेशन 21। एज्यूम इन अबव इलस्ट्रेशन दैट एम्प्लॉयर अलाउ लीव ऑफ 28 डेज इन ए ईयर, कैलकुलेट लीव एनकैशमेंट विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब देखिए, ये माना जा रहा है कि अगर आपको 28 डेज की ही लीव मिलती तो क्या होता। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है कंप्लीटेड सर्विस मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम 30 डेज, तो उसमें 28 से ही मल्टीप्लाई होगी आपकी, क्योंकि मैक्सिमम 30 डेज का मतलब ये है कि अगर 30 डेज से ऊपर अगर एंटाइटलमेंट है तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन 30 डेज मान के करेगा, लेकिन अगर आपका एंटाइटलमेंट आपका 30 दिन से कम है तो फिर जो एंटाइटलमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली आपकी कैलकुलेशन की जाएगी। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, केवल जो फर्क आ जाएगा आपका वो अर्न लीव पर आ जाएगा। ये आप अपने आप आराम से कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 22 देखिएगा। मिस्टर जे रिटायर फ्रॉम द जॉब ऑन 28 फरवरी 2020, यानी कि 28 फरवरी 2020 को रिटायरमेंट हुआ है, तो इसके 28 फरवरी 2020 तक के ही 10 महीने ले लिए जाएंगे अगर हमने एवरेज सैलरी निकालनी पड़ गई। ऑन रिटायरमेंट ही रिसीव्ड ग्रेचुटी ऑफ ₹3,10,000, 3,10,000 रुपये उसे ग्रेचुटी मिल रही है। तो अगर हम ग्रेचुटी के लिए एवरेज सैलरी निकालेंगे, अगर निकालनी पड़ी इसमें, वो देखना पड़ेगा मुझे, तो फिर हमें 31 जनवरी तक की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो है प्रीसीडिंग द मंथ। पेंशन है 7,500 रुपये पर मंथ, तो पेंशन जो मिलेगी इसे एक ही महीने की मिलेगी, क्योंकि 28 फरवरी को ही रिटायर हुआ है, तो 28 फरवरी तक की इसकी सैलरी आएगी जो भी सही होगी, और एक महीने की इसे पेंशन मिलेगी। ही वर इन जॉब सिंस 1 जुलाई 1991 एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वर ड्रॉइंग द बेसिक सैलरी 13,500 पर मंथ नेट ऑफ TDS, यानी कि इसमें TDS कटा हुआ है, तो जब हम सैलरी लेंगे तो TDS जुड़ा हुआ होना चाहिए। जितना आपका टैक्स कट गया है वो भी आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एन डी ए विच वाज 1/3 ऑफ द बेसिक पे, जो डी ए है, जितनी भी बेसिक पे आएगी 13,500 में TDS जोड़ने के बाद,
तो उसका वन थर्ड आपका डीए है, इसका 80% ऑफ दिस फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है, और जो डी है उसका केवल सिर्फ और सिर्फ 80% पार्ट ही रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। आगे हम बढ़ते हैं, ही ऑल्सो रिसीव 2,88,000 ए लीव एनकैशमेंट फॉर 25 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। उसे 25 दिन के हर साल एंटाइटलमेंट था कि वो लीव ले सकता था। ही हैड अवेल 60% ऑफ द लीव टू विच यू आर एंटाइटल्ड। 60% उसने लीव ले ली, इसका मतलब 40% ही बची होंगी, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है यहाँ। द एम्प्लॉयर हैड डिडक्टेड 4,000 पर मंथ एट टीडीएस एंड हैज पेड 2,500 एट प्रोफेशनल टैक्स। 4,000 रुपये पर मंथ टीडीएस के भी काटता है और प्रोफेशनल टैक्स के नाम के भी वो 2,500 पर आई थिंक पूरे साल के देता है। तो ये प्रोफेशनल टैक्स को एम्प्लॉयर दे रहा है तो जुड़ेगा। कंप्यूटेड इनकम अंडर दैट सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 दैट इज प्रीवियस ईयर 1920। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले पूरा सैलरी का क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद जिन जिन की जरूरत पड़ेगी हमें कैलकुलेशन वो करते रहेंगे। मैं ऐसे ही करता हूँ और पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, इससे कोई भी छूटेगा नहीं आइटम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक सैलरी की। तो बेसिक सैलरी अगर आप देख रहे होंगे तो 13,500 प्लस 4,000, 4,008 टीडीएस का जोड़ा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 11। कुछ बच्चों के माइंड में ये भी बात आ रही होगी, सर जब टैक्स कट गया है तो वो उस पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है दोबारा से। इसे अच्छी तरह समझिए, देखिएगा कि टैक्स दोबारा से नहीं है, ठीक है। आप ये समझिए कि टैक्स की डिडक्शन जब टैक्स पेबल आएगा उसमें से मिलेगी। अभी हम इनकम निकाल रहे हैं इस व्यक्ति की। अगर सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की 10 लाख रुपए सालाने की इनकम है, ठीक है, उस पर जो टैक्स कैलकुलेट होके आ रहा है, मैं केवल रैंडमली बेसिस पर ले रहा हूं, वो 1,50,000 आ रहा है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 लाख रुपए टैक्स काट के आपको, जो 10 लाख में से 1 लाख रुपए टैक्स काट के आपको 9 लाख रुपए दे दिए गए। अब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि 9 लाख रुपए इनकम है, फिर 9 लाख रुपए टैक्स निकालेंगे, क्या वो देना पड़ेगा आपको टैक्स? 1,50,000 रुपये तो ऑलरेडी कट चुका है। समझिएगा मेरी बात को गौर से। होता क्या है कि जितना आपका टैक्स कट चुका है, पहले वो आपकी पूरी इनकम में जुड़ेगा। माना आपको 1 लाख रुपये टैक्स कटने के बाद 10 लाख में से 9 लाख रुपये की प्राप्ति हो रही है, तो हम ये मानेंगे कि आपकी इनकम तो पूरी 10 लाख रुपये है। 10 लाख रुपये पर नॉर्मल तरीके से टैक्स लगाएंगे, मैंने जैसे रैंडमली बेसिस पर कैलकुलेट किया था 1,50,000। इसका एक्चुअल से मतलब नहीं है, केवल मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। 1,50,000। तो जब टैक्स पेबल की बात आएगी कि टोटल टैक्स ड्यू 1,50,000 माइनस ऑलरेडी डिडक्टेड 1 लाख, तो नाउ पेबल 50,000। इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता है, ना कि ऐसे कि आप जो टीडीएस कट चुका है वो इनकम ना माने। टीडीएस इनकम मानी जाती है, लेकिन जितना टीडीएस कट चुका है तो जब आप इनकम का इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे तो वहां से इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो आई थिंक मैंने इसे क्लियर कर दिया है। तो 13,500 प्लस 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 11 मंथ, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं 1 अप्रैल से 28 फरवरी तक 11 मंथ हो गए, तो ये आपका आ गया 1,92,500। डीए जो है 1,92,500 का 1/3 है, तो ये 64,000 167 आता है। इसके बाद ग्रेचुटी की अगर बात करते हैं तो 3,10,000 ये क्वेश्चन में गिविन है। अब इसमें से एग्जम्पशन मुझे निकालनी पड़ेगी कि ये कितनी एग्जम्पशन है, तो ये वर्किंग नोट में मैं बात करूंगा। लीव एनकैशमेंट 2,88,000 क्वेश्चन में गिवन है ही, लेकिन कितनी एग्जम्पशन है ये भी वर्किंग नोट का काम हो गया। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें तो कुछ जरूरत है ही नहीं, 2,500 जुड़ जाएगा। अनकम्यूटेड पेंशन, क्योंकि कम्यूटेशन की बात नहीं करी उन्होंने, पेंशन 7,500 पर मंथ दे रखी है, तो 1 महीने की पेंशन आ जाएगी अगर आप देखेंगे तो 7,500, तो ये 7,500 ही आ रही होगी। ग्रोथ सैलरी ऐड कर देंगे, ग्रोथ सैलरी में से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती ही है धर्म कांटे की, और क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स का भी बात है तो 2,500 की ही मिल गई। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में केवल दो ही बातें मुझे देखनी है, एक तो ये देखनी है लिव इन कैशमेंट और एक आपको देखना है ग्रेचुटी। इन दो चीज़ों की आपको कैलकुलेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन को करना, तो देखिएगा इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। हम बात करते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट में ग्रेचुटी की।
अब देखिए अगर इसमें आप महसूस करें तो पिछले 10 महीनों में कुछ भी सैलरी में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी वही एवरेज सैलरी का भी काम करेगी। बस आपको ये देखना है कि सैलरी में क्या क्या जोड़ना है, तो बेसिक सैलरी जुड़ेगी प्लस डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का है। तो यहां पर जो सैलरी रहेगी, एवरेज जो सैलरी रहेगी इस पर्पज के लिए वो कितनी रहेगी, सैलरी कितनी थी भाई इसकी, सैलरी थी आपकी 13,500 प्लस 4,000, 13,500 प्लस 4,000, 13,500 प्लस 4,000, इसका 1/3 डीए प्लस 1/3 का भी 80% ऑफ कितना 17,500, यानी कि इन दोनों को जो जोड़ के आता है उसका 1/3 डीए है और उसका 80% रिटायरमेंट बेनिफिट का है। तो 17,500 प्लस, तो इसका 17,500 डिवाइड बाई 3 इंटू 80%, तो ये आ जाता है 4,667। तो जब ये आप जोड़ेंगे 17,500 में तो इट कम्स टू 22,167। अब हम बात करते हैं कि एग्जम्पशन कितनी है। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट, लोअर द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट, पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, एक्चुअल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ भाई, एक्चुअल दिया हुआ 3,10,000, तो दिस इज 3,10,000। एक है आपका स्टेट्यूटरी लिमिट, स्टेट्यूटरी लिमिट यानी कि है वो 20 लाख रुपए। और तीसरी जो है वो है एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब एवरेज सैलरी आपकी मैंने निकाली दी ऊपर 22,167, और हम कंप्लीटेड सर्विस के लिए अगर बात करें तो क्वेश्चन में गिविन है या नहीं है ये हमें निकालना पड़ेगा 1 जुलाई 91 से। अब देखिए निकालने से अच्छा है हम इनका ही यूज कर लेते हैं जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन में इन्होंने दे रखा होगा, ये जो दे रखा है 28 ईयर, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये 28 ईयर जो इन्होंने दे रखा है वही है, तो मल्टीप्लाई बाय 28 ईयर। बाकी आप निकालना अच्छी तरह जानते हैं, पार्ट दियर ऑफ नहीं आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 28 ईयर, तो इट कम्स टू 6,20,667। अब क्योंकि आपको जो ग्रेच्युटी मिली इस क्वेश्चन में, जो ग्रेच्युटी मिली इस क्वेश्चन में वो मिली 3,10,000 है और एग्जेम्प्शन उससे ज़्यादा आ गई, तो इसका मतलब पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो गई है। क्लियर होगी बात ये, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इतना बैठेगा, ये एक बार डिवाइड बाय 2 और करना पड़ेगा इसे, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर सैलरी डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 और करना पड़ेगा क्योंकि हाफ मंथ एवरेज सैलरी दी जाती है, तो ये आ जाएगा आपका 3,10,333। और आपको जो मिल रहा था वो मिल रहा था आपको 3,10,000 और एग्जम्पशन आ गई आपकी 3,10,333। इसका मतलब है फुल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी इन योर हैंड्स इज एग्जम्प्ट। अब बात आती है आपकी कि लीव एनकैशमेंट की, लीव एनकैशमेंट। देखिए जब लीव एनकैशमेंट निकालेंगे तो एवरेज सैलरी का मतलब अलग होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अलग नहीं होगा क्योंकि पिछले 10 महीनों में कोई भी सैलरी चेंज नहीं हो रही है, ये आपको माइंड लगाना है। लोअर ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल, एक्चुअल में कितना है भाई लीव एनकैशमेंट, इट इज गिवन एट 2,88,000, तो 2,88,000 है। दूसरा है आपका स्टेट्यूटरी लिमिट, लिमिट दैट इज है 3,00,000, और एक है एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी
इंटू 10 मंथ एवरेज सैलरी जो हमारी निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी, 22,167 बाई चांस क्वेश्चन में सेम आ रही है, जैसे ऐसा नहीं कि आपको हमेशा सेम माननी है, तो इट कम्स टू 221670। चौथा जो अमाउंट है अर्नड लीव मल्टीप्लाइड बाई कंप्लीटेड ईयर, सॉरी अर्नड लीव मल्टीप्लाइड बाई एवरेज सैलरी, वो तो जब हम अर्नड लीव निकालेंगे तो तब पता रहेगा। तो अर्नड लीव अभी गायब है, एवरेज सैलरी आपकी है 22,167। अब अर्नड लीव कैसे निकलेंगी, ये क्वेश्चन एराइज होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंटाइटलमेंट कितना है 28 ईयर मल्टीप्लाइड बाय, आपको छुट्टियां कितनी दी जा रही हैं क्वेश्चन में, 25 डेज के हिसाब से ही दी जा रही हैं, तो 25 डेज ही आएगा इसमें, अगर 30 से कम है तो 30 से कम ही आएंगे, तो 28 × 25 इट कम्स टू 700 माइनस अवेल्ड लीव, अवेल्ड लीव क्या ये क्वेश्चन में गिविन है, अगर ये गिविन है तो बहुत आराम से हमारा हो जाएगा। तो हियर अवेल 60% ऑफ द लीव, तो हम इसका 60% कर देते हैं डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 420 दिया हुआ है, नहीं तो ये पहले निकालना पड़ जाता मुझे, माइनस 700 तो ये आ जाएगा 280 जो आ जाएगी, ये आ जाएगा अर्नड लीव। अब क्योंकि ये 280 डेज की बात है तो पहले इस सैलरी को डेज में बनाना पड़ेगा, तो 30 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 22,167 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 280 इट कम्स टू 2,06,892। अब आप देखिए कितना मिला, तो 2,88,000 मिला, जिसमें से जो एग्जेम्प्ट है 2,06,892 हो गया, तो बाकी क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल हो जाएगा 2,06,892। ये क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि ये एग्जेम्प्शन की अमाउंट है 2,06,892, तो बाकी जो हो जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करेंगे कल, आज हम इतना ही रखते हैं, एक एक टॉपिक हम निपटाते हुए चल रहे हैं, ये बड़े टॉपिक है अपने आप में। तो अब आपके रिटायरमेंट बेनिफिट में केवल एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो है प्रोविडेंट फंड, तो उसके बाद हमारे 3 पार्ट और बचेंगे, अलाउंसेज, परक्यूरेट और अदर पेमेंट। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद हम पहले अदर पेमेंट निपटा लेंगे, उसके बाद अलाउंसेज और परक्यूरेट और बचते हैं, तो वो भी हम खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आप पुराने जो चैप्टर्स हैं वो भी आप रिवाइज करते रहिएगा, मैं आपके ऑनलाइन टेस्ट ही कंडक्ट करूंगा, आपके लगातार टच में रहूंगा, आपको बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि अपनी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल भी हैम्पर मत होने दीजिएगा, अदरवाइज बहुत परेशानी में आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और किसी भी तरीके से पढ़ाई को हैम्पर ना होने दें, तो बाकी बात करेंगे हम कल के लेक्चर में। थैंक यू।